साल खत्म होने जा रहा है और इसी के साथ बढ़ती जा रही है लोगों की टेंशन। लोगों की टेंशन की वजह है एक और कोरोना का वेरिएंट। दरअसल चीन, जापान और अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में कोरोना मामलों के अचानक बढ़ने के बाद भारत में इसको लेकर सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें कोरोना पर आपात बैठक करने की घोषणा कर चुकी हैं। इसी बीच कोरोना केसेस में तेजी से बढ़ोतरी देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जनता से तत्काल प्रभाव से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते 24 घंटे में दुनिया में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी गई है। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आम लोगों के साथ केंद्र सरकार से भी एक खास अपील की है। एसोसिएशन ने कहा है कि केंद्र सरकार को कोरोना के आने से पहले ही इस बार सारी तैयारी करनी होगी। संगठन के टॉप डॉक्टर्स ने कहा है कि 2021 की तरह देश में हालात खराब न हो, इसके लिए सरकार को सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में अभी से ऑक्सीजन, दवाइयों और अन्य जरूरी चीजों की कमी को दूर करना होगा, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या का हमें सामना न करना पड़े। इसी बीच IMA के एक डॉक्टर अनिल गोयल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि भारतीयों का इम्यून सिस्टम बाकी लोगों से काफी स्ट्रांग है और इसी वजह से भारत में लॉकडाउन के दूर दूर तक अभी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, हम भी आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और तमाम जानकारी और अपडेट्स जानने के लिए ABP Live को सब्सक्राइब करें।